राधा स्वामी सत्संग सेंटर पर तीसरे दिन भी रहा वैक्सीनेशन कैंप। कोरोना वैश्विक महामारी की लड़ाई में सर्वाधिक वैक्सीनेशन लगवाने का खिताब रुड़की राधा स्वामी सत्संग व्यास ने पूरा कर लिया है। वैक्सीनेशन कैंप में लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं व सोशल डिस्टेंस मास्क का प्रयोग कराकर पंडाल वैक्सीनेशन कैंप में भेजा जा रहा है। वैक्सीनेशन कैंप का जायजा लेने रुड़की ASDM पूरन सिंह राणा ने राधा स्वामी सेंटर पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तो खुद ASDM ने राधा स्वामी सत्संग संस्था की सराहना करते हुए वो नजर आए। इतनी अच्छी व्यवस्था देखकर ASDM भी काफी प्रसन्न दिखाई दिए। वहीं नगर आयुक्त नुपुर वर्मा भी मौके पर पहुंचकर राधा स्वामी सत्संग रुड़की संस्था के सेवादारों की तारीफ करती नजर आए। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह दिखाई दिया। राम कुमार द्वारा बताया गया कि आज राधा स्वामी सत्संग संस्था को 80 वैक्सीन दी गई थी, जिसमें लगाने वालों की संख्या 150 के ऊपर थी। आला अधिकारी भी राधा स्वामी सत्संग संस्था की साफ सफाई व सोशल डिस्टेंस की व्यवस्था देख काफी प्रसन्न दिखाई दी। वहीं राधा स्वामी सत्संग प्रमुख डेरा बाबा गुरविंदर सिंह ढिल्लो जी द्वारा आदेशों का पालन किया जा रहा है। सुबह 5:30 बजे आकर सेवादार लंगर की व्यवस्था करते हैं। वही व्यवस्था होने के बाद नगर निगम द्वारा व विधायक जी द्वारा वितरित किए जा रहे हैं। न्यूज उत्तराखंड से मनीष ग्रोवर, क्राइम संवाददाता रुड़की की रिपोर्ट। न्यूज उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं मनीष ग्रोवर। जिस तरह लगातार कोविड कर्फ्यू बढ़ता जा रहा था, उसको देखते जरूरतमंदों लोगों को खाने की समस्या का सामना करना पड़ रहा था, उसको देखते हुए काफी NGO सामने आए हैं, जिसमें आज एक राधा स्वामी सत्संग जो ब्यास की संस्था है रुड़की सालियर सेंटर में एक ये सेंटर बनाया गया है, जहां ज़रूरतमंदों को खाने की व्यवस्था नगर निगम द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, विस्तृत की जा रही है। उसको देखते हुए आज यहां 16 से 45 साल लोगों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है, जिसके बाद उनको यहां से जलपान कराकर यहां से वैक्सीनेशन कराकर भेजा जा रहा है।